हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी कि आप परफेक्ट आउटलाइन को कैसे ड्रॉ कर सकते हो, तो मैं आज आपको ग्रिड एप्लीकेशन बताने वाला हूं जो कि मैं यूज़ करता हूं। और दोस्तों, वो ऐप काफ़ी ज़बरदस्त ऐप है, उसमें कई सारे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, आप उन सबका यूज़ कर सकते हो। तो आपको मैं बताऊँगा उसको प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है, वो कौन सा ऐप है। आपको मैं उसके रिव्यू भी दिखाऊँगा। वो दोस्तों, उसमें काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं। जो मैं पहले पुराना वाला यूज़ करता था उसमें तो ज़्यादा फीचर्स थे नहीं, उसमें सिर्फ ब्लैक एंड वाइट का ऑप्शन था और ये ग्रिड बनाने का फंक्शन था, बस ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे दोस्तों। बस मेरा कहने का मतलब यही है, जो अब मैं ये ऐप यूज़ कर रहा हूँ इसमें कई सारे ऑप्शन है। तो आपको अभी मैं इसके ऐप के बारे में बताऊँगा, तो आप वीडियो को देखें पूरा ताकि आपको उस ऐप के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप भी एक अच्छे तरीके से किसी भी फ़ोटो को ग्रिड में कन्वर्ट करके और आप एक अच्छी ड्राइंग बना सकते हो। तो जैसे दोस्तों, आप आओगे तो गैल यहाँ पे तीन ऑप्शन आपको देखने को मिले थे, आप गैलरी पे सेलेक्ट कर लो। अगर आपको फ़ोटो बनानी है या फिर खींच के करनी है तो आपको तीन ऑप्शन मिल जाते हैं। वहाँ से आने के बाद दोस्तों, ये जो आपको ग्रिड का ऑप्शन दिखा था आपको, अगर आप इस पर क्लिक कर दोगे तो आपको जो लाइन दिख रही है ग्रिड की, ये लाइनें हट जाएंगी इसके ऊपर से। और अगर आपको चाहिए तो आप इस पर टैप ना करो तो आपकी ये लाइन दिखेंगी बॉक्सेस में। और दोस्तों, ये सारे बॉक्सेस इक्वल होंगे, कोई छोटा बड़ा इसमें जैसे होता है कि फ़ोटो के हिसाब से हो जाता है, तो इसमें बस आपको इक्वल बॉक्स देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, अगर आपको डायगोनल लाइन चाहिए तो आपको वो भी मिल जाएंगी इसमें। दोस्तों, जो मैंने पिछली फ़ोटो बनाई थी, मैंने दो फ़ोटो सेव करी थी, एक तो ये सिंपल बॉक्सेस में ताकि मैं सिंपल आउटलाइन ड्रॉ कर सकूं, और जब मुझे लिप्स, नोज़, आई, आईब्रो, जब मुझे ये चीज़ें डिटेल में ड्रॉ करनी थी, तब मैंने दूसरी फ़ोटो सेव करा ऐसे डायगोनल आउटलाइन में। तो इससे क्या है दोस्तों, आपको एक सही अंदाज़ा मिल जाता है ड्रॉ करने के लिए, तो मैंने दूसरे ऑप्शन इसमें यूज़ करा। और दोस्तों, इसमें एक फंक्शन ये भी है कि आप फुल स्क्रीन, जैसे अगर आपको मेन्यू बार या हाइड करना है और आपको फुल स्क्रीन में इमेज को देखना चाहते हो तो ये ऑप्शन भी है, या आप जैसे कि देख रहे हो उसमें देख सकते हो। अब जैसे आपने ड्राइंग में देख लिया होगा कि आपके पास कितने बॉक्सेस हैं और आपने अंदाज़ा इक्वल बॉक्सेस अपने पेज पर ड्रॉ कर लिए होंगे, तो दोस्तों अगर आपको बिल्कुल परफेक्ट चाहिए तो आपको जितने बड़े बॉक्स आपने अपने पन्ने पर ड्रॉ करें, बस फ़ोटो को उतने ही जूम कर लो और एक एक बॉक्स को देखते देखते आप बना सकते हो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। और इसमें एक लॉक का फंक्शन भी दे रखा है, जैसे अगर आप बनाते हो कभी गलती से उस पर हाथ लग गया तो फ़ोटो हिल जाती है, फिर आप मतलब कुछ, तो आप इसे लॉक भी कर सकते हो, तो इससे मूवमेंट इसकी रुक जाएगी, मूवमेंट नहीं हो पाएगी। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है दोस्तों, अगर आप बना रहे हैं बाई चांस कभी हिल जाती है फ़ोटो तो आप कन्फ्यूजन हो जाती है इसमें, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। और इसमें कई सारे ऑप्शन है, मैं आपको दिखाऊंगा, बस आप देखते रहिए वीडियो को। और दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बढ़िया बात यह है कि आपको ड्राइंग कंपेयर का ऑप्शन भी मिल जाता है इसमें। जो आपने ड्राइंग को ड्रॉ करा है, आप इसे अपनी ड्राइंग कंपेयर कर सकते हो कि आपने कितने हद तक अपने ड्राइंग को कितना सेम टू सेम बनाया है। तो जो आपने ड्राइंग बना रखी है, आपको उस पेज पे इसको ऐसे करना है दोस्तों, ये फ़ोटो ट्रांसपेरेंट हो जाएगी और आपको बस आपको बॉक्स इक्वल नाप के जूम कर लेना है और आपको फ़ोन को जो भी है ऊपर नीचे करके देखना है। जब आपके लगे हाँ कि ये बॉक्स मेरे ड्राइंग के पेज से मैच हो रहे हैं, तो आप अपनी ड्राइंग देखें कि कहाँ आपने गलती करी है, कितने गैप बना दिया। ये दोस्तों ट्रांसपेरेंसी है, इससे आप कम ज़्यादा करके देख सकते हो कि आपको कहाँ तक समझ में आ रही ड्राइंग, इससे आप ये चेक कर सकते हो कि आपकी ड्राइंग परफेक्ट बन गई है नहीं बनी है। दोस्तों, आपको बस प्रैक्टिस करनी है, करते रहोगे तो आपकी प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगी। और मैं आपको आगे आने वाले टाइम पे और सिंपल इजी मेथड्स बताऊँगा कि ये तो पहला मेथड हो गया ग्रिड मेथड से परफेक्ट ड्रॉ कर सकते हो। आपको मैं फ्री हैंड का भी बताऊँगा कि आप फ्री हैंड से कैसे ड्रॉ कर सकते हो, उसकी भी वीडियो में आपको जल्दी लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। और दोस्तों, इसमें आपको ये कुछ इफ़ेक्ट मिल जाते हैं जिससे आप फ़ोटो को यहीं पे आप फ़ोटो को एडिट भी कर सकते हो, स्केच कन्वर्ट कर सकते हो, कई सारे ऑप्शन दे रखे हैं, HDR कर सकते हो। तो इसमें ऑप्शन तो अच्छे हैं, आपको एक एडिटर की ज़रूरत नहीं है कि आप फ़ोटो को एडिट करो कि आप पहले आपको जैसे फ़ोटो, अगर आपकी क्वालिटी फ़ोटो भी ख़राब है तो आप फ़ोटो को जाके पहले एडिट करोगे, शार्पनेस बढ़ाओगे ताकि फ़ोटो थोड़ी साफ़ दिख जाए। अगर आपको कोई दूसरी फ़ोटो नहीं मिल पा रही है तो आपको यही करना पड़ेगा, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो उसके अलग से एडिट करो, फिर उसके बाद यहाँ पे आया करो। तो दोस्तों, इसमें ये
फीचर्स अच्छा है कि आपको इसके अंदर ही मिल जाता है और आप एडिट यहीं से कर सकते हो, तो ये काफ़ी बढ़िया है। और सबसे मेन बात हो तो ड्राइंग कंपेयर कंपेयर का सही दे रखा है इसमें फंक्शन, आप इससे भी ड्राइंग कंपेयर कर सकते हो कि आपने कितने हद तक सेम टू सेम बनाई ड्राइंग। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी सीख सकें। दोस्तों दोस्तों जो मैंने पिछली ड्राइंग बनाई थी उसमें मैं दो फोटो सेव कर रखी थी ताकि एक सिंपल आउटलाइन में ड्रॉ कर सकूं और दूसरी फ़ोटो में डायगोनल आउटलाइन थी ताकि मैं डिटेल में काम कर सकूं। तो मैंने दो फोटो सेव कर रखी थी, जो आपने दो फोटो देखी थी मैंने आपको बताया था कि आपको फ़ोटो में दिख नहीं पाएगा क्योंकि फ़ोटो का साइज़ काफ़ी छोटा है, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो मैं दोस्तों मैंने इस तरह से ड्राइंग बनाई थी, फ़ोटो को सेव करके बनाया था, मैंने उसी ऐप के ऊपर नहीं बनाया, मैंने इस फ़ोटो को अलग से सेव करा। तो दोस्तों आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर देना वीडियो को, लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना और बेल नोटिफिकेशन दबा देना ताकि आपको वीडियो की अपडेट्स मिल जाए ट्यूटोरियल वीडियो में, क्योंकि लाने वाला हूँ आप लोगों के लिए। अगर आप ड्राइंग में इंटरेस्ट है तो आपको ज़रूर मैं सिखाऊँगा। मिलते अगले वीडियो में, थैंक।